हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइंस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। गाइस ए टेप देख के आपको क्या लग रहा है, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, जो कि हमारे यूनिट कन्वर्जन के बारे में है, जो कि आप वो कन्वर्जन इसी तरह से और प्रैक्टिकली सीख पाओगे कि इंचेस का कन्वर्जन फीट में कैसे रहता है, फीट का मीटर में, और मीटर का ब्रास में, और ब्रास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एज ए साइड इंजीनियर। आपको ये चीज़ें डे बाय डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल और नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक एक बार ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट रहती है जॉब के रिगार्डिंग, हमारे ई बुक्स के रिगार्डिंग और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट मिलेगी वहाँ पे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो गाइज। तो गाइज लास्ट का जो वीडियो था आपने वो देखा नहीं तो एक बार देख लीजिए गाइज, उसमें सब मेजरिंग टेक के ऊपर मैंने यूनिट के चेंजेस आपको बताए थे, जो कि सेंटीमीटर का मीटर में और सेंटीमीटर का एमएम में था, फिर इंचेस में था, इंचेस का फीट में था। अगर वो आपने देखा नहीं वीडियोस तो आप एक बार चेक कीजिएगा, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था वो। वहाँ पर मैंने थंब रूल्स भी आपके साथ शेयर किए थे, जो कि बेसिक नॉलेज था आपके लिए। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को ऊपर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन करो गाइस, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और आने वाले वीडियोस भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए गाइज। तो गाइज इसमें आप देख सकते हो, क्योंकि हमने पहले इस पे ऊपर वीडियो बनाया है जो कि मीटर टू फीट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 meter = 3.28 feet, उसके बाद फीट टू मीटर है जो कि 1 feet = कितना होता है, 1 inches = how many centimeter, ओके 1 sooth = how many mm, ओके वो जो सूत्र बोला जाता है साइड पे, यहाँ पे लिखा है उन्होंने one sooth = 3 mm होता है गाइज हमारा। ओके तो गाइज ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है, जिसके एरिया का कन्वर्जन भी दिया है उसमें, बाकी बहुत सारे कन्वर्जन दिए सेंटीमीटर मीटर इंचेस में, और वो वॉल्यूम भी दिया है और वेट भी दिया है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइस हमारा 1 घंटा होता है यानी कि 33.33 feet का, यानी कि ये 33 का आपको स्क्वायर दिख रहा हो तो 33 का फीट हो तो हमारा ये 1 घंटा होता है, 1 घंटा लैंड बोलते हैं उसको। ओके महाराष्ट्र में इसको घंटा बोलते हैं, हरियाणा में बीघा बोलते हैं इसको। ओके बीघा यानी कि बीघा बोलते हैं इसको। अगर ये इसका कैलकुलेट किया जाए तो 33 feet into 33 जो कि आता है 1089 square feet, 1 घंटा इक्वल टू 1g = 1089 square feet। इस घंटे को हम आर भी बोलते हैं, 1 hour बोलते हैं, 1 arc। ओके 1 hour यानी कि एक घंटा, टोटल होता है 2.98 घंटा यानी कि आर्क का 1 hectare होता है हमारा। ओके हेक्टर होता है 2.98 acre, सॉरी एकर ACRE, ओके 2.98 एकर यानी कि हेक्टर होता है वो हमारा। ओके तो गाइस इस तरह आपको इन यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए गाइस। आपको अगर एकर में निकालना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, यानी कि 40 घंटा = 1 acre होता है, 40g into 1 acre ACRE। आप यहाँ पर देख गए तो 40 घंटा यानी कि 40 into 33 into 33 किया तो आपको आ जाएगा 4,3,560 square feet
यानी कि अपना आता है 1 एकड़, 1 एकड़। ओके, ये चीज़ आप वो एज अ साइट इंजीनियर ध्यान में रख रहे हो। ये 1 एकड़ यानी कि हमारा 43,560 स्क्वायर फीट आता है गाइस। ओके, अगर इसको हेक्टर में कन्वर्ट किया जाए तो हमने कहा था 1 हेक्टर इक्वल टू 2.98 एकड़। 2.98 एकड़ यानी कि हमारा 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा वो। ओके, यानी कि 1 हेक्टर आ जाएगा हमारा 100 मीटर स्क्वायर में। 1 हेक्टर यानी कि 2.98 एकड़, 100 मीटर स्क्वायर। तो गाइज आपने सुना हो ना, सुना होगा कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है। 1 हेक्टर होता है, सही है। 2.5 एकड़ यानी कि यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 से। ओके, 2.5 वो आता है 108,900 स्क्वायर फीट, यानी कि आता है हमारा लगभग 100 मीटर स्क्वायर के आसपास, देख सकते हो आप। तो एक्चुअली होता है हमारा 2.5, यानी कि आप 1 बीघा किया तो उसको 2.5 इंटू वो आ जाएगा हमारा 40। ओके, वो आ जाएगा 2.5 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 32, वो आ जाएगा 108, सेम ही आएगा गाइस। यानी कि ये जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही है, आपको ये कैलकुलेशन आना ही चाहिए गाइस। वो तो एक्चुअल में 2.5 एकड़ बोलते हैं उसको। ओके, यानी कि 1 हेक्टर, TOR। ओके, एक्चुअल में होता है वो 98.2 गुंटा, यानी कि बीघा जो बोलते हैं उसको, बीघा जो बोलते हैं वो होता है हमारा 1 हेक्टर। 1 हेक्टर यानी कि 98.2 मल्टीप्लाई किया 33 से, 98.2 इंटू 33.33 जो आता है 106। ओके, तो लगभग 100 मीटर स्क्वायर को हम 1 हेक्टर बोलते हैं और 2.5 एकड़ को हम 1 हेक्टर बोलते हैं, और इसी तरह हम 98.2 गुंटे को हम 1 बीघा 1 हेक्टर बोलते हैं। तो क्या ऐसे कन्वर्जन एज ए साइट इंजीनियर आपको आना ही चाहिए, जो कि बेसिक है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा गाइज आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर कीजिए गाइज। आपने बेसिक टर्म इसमें कवर किए गए जो कि एकड़, हेक्टर और घंटा के बारे में, और जो कि हमारा मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब के बारे में, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। ये चीज़ आपको हर एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए गाइज, जो कि इन कन्वर्जन है हमारे बेसिक थंब रूल्स है गाइज। आज अ डे टू डे लाइफ में आपको ये चीज़ें आनी चाहिए गाइज। तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना गाइज, और आने वाली वीडियोस को भी इसी तरह सपोर्ट करना गाइज। ये बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए गाइज। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टाउन प्लानिंग की बहुत ही बढ़िया बुक है, जो कि हर एक स्टूडेंट को एक बार रीड करनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका एडिशन। ओके, इसका इंट्रोडक्शन देखे तो इसमें हर एक पॉइंट कवर किया है गाइस, टाउन प्लानिंग के सर्विस, उसके बाद हाउसिंग के बारे में, जोनिंग के बारे में, जो भी हमारे जोनल प्रोविजन है उसके बारे में, उसके बाद उन्होंने पार्क और प्लेग्राउंड के जो भी रूल्स है, उसका जो साइड रूल्स और रोड साइड जो भी प्लानिंग है वो उन्होंने सब डिटेल में डिस्कस किया है इस बुक में। जो भी हमारे बिल्डिंग बायोलॉजी है उसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया बुक है गाइज, आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। अगर ये बुक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा गाइज। वो गाइज आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक है और जीरोधा है, और हमारा नया आया वाला फायर से। इसके ऊपर खास ऑफर से गाइज, अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइज
हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए।